मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार पहले भी कहा है कि प्रभु हमारे आपसे ज्यादा चिंता आपकी करता है, इसलिए बाइबल कहती है कि सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम सरिता यादव है और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी ये गवाही है कि मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो मैं बहुत बीमार रहती थी। फिर इसके बाद मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मेरा कोई भी बेबी नहीं था मेरे पास। 2 साल तक हम ऐसे ही ट्राई करते थे, हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, मैं प्रभु पर विश्वास रख के और पड़ी रही, कही प्रभु आपकी रची हुई शरीर है, आप ही देंगे तो मैं माँ कहलाऊँगी। डॉक्टर के पास फिर भी वहाँ भी नहीं गई। मेरे घर के लोग कहते थे कि चलो हम कहीं तांत्रिक के पास ले चलें या कहीं हम दवा इलाज कराएं, तो मैं कहीं नहीं, मैं कहीं ना जा रही प्रभु को छोड़ के। हमारा नाम जो सत्येंद्र यादव है, हम ग्राम कौड़ियाँ के रहने वाले हैं, हमारा पोस्ट तुआ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ पड़ता है। हम लाइव वीडियो देखते थे यहाँ की जो इस कलेसिया की, तो हमें विश्वास हुआ तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। फिर हम अपने जब इनके यहाँ लेके गए अपने पास, तो वहाँ पे जब चर्च में हम जाते थे तो हम हर संडे जाते थे चर्च में। हमारे सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम सरिता यादव है और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी ये गवाही है कि मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो मैं बहुत बीमार रहती थी। फिर इसके बाद मुझे किसी भाई के द्वारा पता चला तो मैं आई। फिर इसके बाद मुझे पहले ही दिन प्रभु ने छुआ और मैं चंगी हो गई, तो मुझे विश्वास बढ़ा। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि प्रभु क्या चीज़ है, तो फिर इसके बारे में मैंने देखा और सब भाई बहन की गवाहियाँ मैंने सुनी तो मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं दोबारा और तिबारा और मतलब कि हर संडे ही आने लग गई। फिर इसके बाद मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मेरा कोई भी बेबी नहीं था मेरे पास। 2 साल तक हम ऐसे ही ट्राई करते थे, हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, मैं प्रभु पर विश्वास रख के और पड़ी रही, कही प्रभु आपकी रची हुई शरीर है, आप ही देंगे तो मैं माँ कहलाऊँगी। इसके बाद मैंने कहीं भी नहीं गई। फिर इसके बाद मैंने प्रभु की कलेसिया में जाती रही, वही आशीषी तेल पानी यूज करती रही अपना, और यहाँ की भूलंडी जो चर्च है हमारे यहाँ जौनपुर ज़िले में, हम इसकी लाइव भी देखते थे वीडियो और यहाँ आते थे भी। फिर इसके बाद मैं पति के साथ दोबारा चली गई ज़िला बिजनौर, फिर वहाँ से मुझे लगा कि मैं घर में रह के बोर हो रही हूँ। फिर मैं वहाँ इनसे पूछी कि इसके बाद मुझे चर्च में जाना है, मुझे ले चलो, मैं नहीं ऐसे रह सकती। फिर इन्होंने पता करा और मुझे चर्च में जाना बहुत पसंद था, मैं प्रभु को दिल से मानती हूँ। फिर इसके बाद मैंने गई वहाँ और मुझे जाते जाते हो गए थे 1 साल, वहाँ भी मेरा बीत गया, फिर भी मेरे बेबी नहीं कंसीव हुआ। फिर इसके बाद मैंने कहीं भी नहीं गई, डॉक्टर के पास फिर भी वहाँ भी नहीं गई। मेरे घर के लोग कहते थे कि चलो हम कहीं तांत्रिक के पास ले चलें या कहीं हम दवा इलाज कराएं, तो मैं कहीं नहीं, मैं कहीं ना जा रही प्रभु को छोड़ के, बस मैं प्रभु की शरण में रहूँगी और वही मुझे माँ कहलाने वाला देंगे बेटा बेटी। और मैं पूरे विश्वास के साथ जौनपुर ज़िले की भूलंडी कलेसिया की मैं देखती रही भैया दुर्गा प्रसाद यादव की वीडियो और लाइव जितने आते थे मैंने देख देख के, और अपने मन में दुआ प्रार्थना प्रभु से करती थी, प्रभु मुझे बाझिन का नाम नहीं चाहिए, आपके पीछे चलने वाली हूँ, मुझे संसार में लज्जित नहीं होना है प्रभु। तो मैंने ऐसे कर करके और प्रार्थना करती थी, मन मन दुखी रहती थी, फिर भी मुझे आस था क्योंकि लोग अगल बगल के कहते थे कितना दिन हो गया और 2 ही साल हुए थे, लोगों को भार लग रहा था और 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया था, इससे मैं भी थोड़ा सा दुखी थी, नर्वस थी अंदर से। तो मैं इसके बाद
प्रभु पे मन लगा के और दुआ प्रार्थना करती रही, कलेसिया जाती रही और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन ली। और दो बार मिसकैरेज होने के बाद तीसरी बार मेरा बेबी ब्लेस की मुझे प्रभु ने आशीष दी और मैंने आशीष को कहीं भी नहीं गई अल्ट्रासाउंड कराने। मैंने कहा प्रभु आपने जो दिए हैं वह आपके गर्भ का फल है प्रभु आशीषित, मैं नहीं जा रही किसी डॉक्टर के पास। फिर इसके बाद मैं छठे महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता चला कि बच्चा स्वस्थ है। फिर इसके बाद मेरी डिलीवरी हुई और मुझे अच्छा बेटा स्वस्थ हष्टपुष्ट मेरे अच्छे से, और मसीही परिवार के लोग ने मेरी डिलीवरी कराई और अच्छे से मेरी डिलीवरी हुई और मैं अच्छी रही। और फिर वहाँ से ज़िला बिजनौर से जब मैं यहाँ आई तो फिर इसके बाद मैंने प्रभु के भवन में अपने बेटे को ले कर आई और फिर इसके बाद आज मैं गवाही दे रही हूँ। और उस लायक मुझे प्रभु ने बनाया और बांझन का नाम मुझे छुड़ाया पिता ने, मैं अपने प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, महिमा तारीफ करती हूँ प्रभु का। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और इसके बाद कहीं भटकने की कोशिश ना करें, प्रभु ने उनकी ही हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और फिर इसके बाद यही है कि मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आमेन आमेन फिर से आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु ने मुझे इस बेटे के आशीषित किए और मेरी गोद भरे और मेरा बेटा अब 9 महीने का हो गया है और मैं इसे ले कर आई प्रभु के भवन में। और प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बेटे के साथ ब्लेस किए मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन फिर आमीन। यदि आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी पोस्ट पोखरा क्षेत्र डोभी जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 3293718168 है, जिसका IFSC कोड SBIN 00108 90 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।